संसद में इस साल का मॉनसून सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र में 31 विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही मणिपुर हिंसा समेत कई ऐसे मुद्दे हैं और जिस पर बहस हो सकती है। सत्र में सिनेमेटोग्राफी और डेटा प्रोटेक्शन बिल से लेकर दिल्ली में अफसरों के तबादलों से जुड़े अध्यादेश को कानून में तब्दील करने वाला विधेयक भी शामिल है। मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों के बीच संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। इस सत्र का समापन 11 अगस्त को होगा। मॉनसून सत्र बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक और दिल्ली के अशोका होटल में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यक्रम के बाद हो रहा है। इन दोनों बैठकों का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति तैयार करना और हालिया मुद्दों बहस करना बताया गया है। ऐसे में यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि सरकार नियमों के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। जानिए संसद के मॉनसून सत्र में कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके बिल के जरिए भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल रोका जाएगा और इसे कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 या बिल SERB विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करने के अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को बनाने का कानूनी अधिकार देगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल संशोधन 2023। इसके जरिए लोगों को नेशनल और राज्य स्तर पर डेटाबेस में जन्म और मरण की जानकारी को रजिस्टर करने को कहा जाएगा। माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 या बिल लाइसेंस देने और कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने के लिए लाया जा रहा है। सिनेमेटोग्राफ बिल संशोधित 2023 या विधेयक फिल्म प्रदर्शन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और बदलते समय के मुताबिक बनाने के साथ फिल्म चोरी की जांच करने, प्रमाणन की आयु और श्रेणियां तय करने के साथ गैर जरूरी प्रावधानों को हटाने के लिए लाया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल संशोधित 2023 या बिल जम्मू और कश्मीर में कमजोर और वंचित वर्गों, सामाजिक जातियों के नामकरण और OBC वर्ग से जुड़ा है। जन विश्वास बिल। इस बिल में देश में कारोबार में सुधार किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा कई अपराधों को क्राइम कैटेगरी से बाहर किया जाएगा। ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल। केंद्र सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को निरस्त करने के लिए ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल को पटल पर रखी। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष बिल। देश के कई ऐतिहासिक स्मारकों के इर्द गिर्द और पास के क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए इसे पेश किया जाएगा। DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। देश में DNA टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल लाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई बिल हैं जो पेश होंगे। वो है संसद के मॉनसून सत्र में प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फंड बैंक बिल के अलावा मीडिएशन बिल 2021, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन बिल 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, एडवोकेट संशोधन बिल 2023 भी पेश किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।